फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं आर्मी पब्लिक स्कूल के बारे में। और आर्मी पब्लिक स्कूल का जो एग्जाम है वो 21-22 नवंबर को है। कब है? 21-22 नवंबर को है। वार जो है आपकी डेट है 10 नवंबर। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या करें जो बच्चों ने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, और जो थोड़ा अभी डर रहे हैं कि अब 10 दिनों में ऐसा क्या हो कि किस तरीके से हम अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते। ठीक है, तो टोटल आपके पास जो है वो 10 दिन बचे हैं। देखा जाए तो आपको 10 दिन की स्ट्रेटेजी बनानी है, किस तरीके से जो है 10 दिन की प्लानिंग की जाए, किस तरीके से ऐसा क्या हो कि मैं अपने एग्जाम को क्रैक कर सकूं। ठीक है, आप सबको पता है कि एग्जाम क्रैक करने का जो क्राइटेरिया है आपको वो भी पता है कि कितना होना चाहिए। फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आपको पूरा अच्छे से एक ओवरव्यू मिल जाए। तो आप सबको पता है कि आपको अगर आप टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट्स हो, टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट्स हो, तो आपके दो पार्ट में पेपर लिया जाएगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए जो है आपका, जिसके अंदर चार होंगे, कौन कौन से होंगे? जनरल अवेयरनेस, क्या होगा? जनरल अवेयरनेस। देन आपका क्या होगा? मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, और आपका होगा टीचिंग मेथोडोलॉजी। ठीक है, तो ये चार सब्जेक्ट्स आपके होंगे किसमें? पार्ट ए के अंदर। और ये होगा आपका किसका? 90 मार्क्स का। किसका होगा? 90 मार्क्स का होगा, ये तो आप सबको पता है। ठीक है, 90 मार्क्स का आपका ये होगा। साथ में जो है आपको 90 मिनट ही दिए जाएंगे इसको करने के लिए। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपकी यहाँ पर क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। क्या है? नेगेटिव मार्किंग है। तो ये जो 90 मार्क्स है ना, 90 मार्क्स यानी कि 90 मिनट, ठीक है, 90 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट आपको दी जाएंगी। और आपकी जो मार्किंग है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी, और आपको एग्जाम को क्रैक करने के लिए 90 में से 45 मार्क्स यहाँ पर लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये है पार्ट ए का। पार्ट बी अगेन जो है वो 90 मार्क्स का रहेगा, और इसको ये भी जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग रखेगा, और इसके अंदर भी आपको क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स यानी कि 45 मार्क्स आपको यहाँ पर लेने हैं। ऐसा नहीं है कि पार्ट ए और पार्ट बी को दोनों को मिला के 50% लेना है, आपको पार्ट ए में भी 50% स्कोर करना है एंड पार्ट बी में भी 50% स्कोर करना है। पार्ट बी जो है आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, जो भी आप सब्जेक्ट वहां पर पढ़ाएंगे, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपने फॉर्म भरा है, वो जो है आपको 90 मार्क्स में प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्लियर हो गया, पूरा क्राइटेरिया समझ में आ गया, एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको कितने मार्क्स लेने हैं वो समझ में आ गए। अगर जो टीजीटी पीजीटी के बच्चे हैं, अगर वो पार्ट बी को नहीं कर पाते, मतलब पार्ट बी उनका क्रैक नहीं होता, और इन केस वो पार्ट ए को क्रैक कर जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में भी जो है आपको पीआरटी लेवल की टीचिंग का जो है यहाँ पर स्कोर कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, मतलब पार्ट ए अगर आपने क्लियर कर लिया, अगर आप टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट हो, फिर भी जो है एपीएस जो है आपको स्कोर कार्ड देगा, और आप वैलिड होगे किसके लिए? पीआरटी में एज ए टीचर पढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि पीआरटी का जो सिलेबस है वो सिर्फ क्या है? पार्ट ए। पीआरटी का जो पेपर होगा वो सिर्फ पार्ट ए होता है। अगर आप पार्ट ए भी क्लियर कर लेते हो तो भी आपको स्कोर कार्ड मिलेगा। तो आपको एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि अगर आप पार्ट ए करते हो तो भी आपको स्कोर कार्ड मिलेगा। अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है, अगर आपके सब्जेक्ट में कमांड है, तो आप दोनों ही अंक को अच्छे से क्रैक कर सकते हो। ये था पूरा ओवरव्यू। अब इन 10 दिनों में ऐसा क्या किया जाए कि आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको अपना प्रीवियस ईयर का पैटर्न देखना है। जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं और जो सेकंड टाइम दे रहे हैं, उनको तो पता ही होगा कि किस तरीके का पेपर पैटर्न आता है। तो आपको जो है अपना जो भी है अपना प्रीवियस ईयर देखो। प्रीवियस ईयर देखने के बाद आपको आइडिया होगा कि जो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है, जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है, उसमें से जो क्वेश्चन, मतलब उसमें जो करंट कितना आएगा, स्टैटिक जो इंडिया की जीके है वो कितनी आएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा, बाकी ज्यादातर यहाँ पे करंट आता है। ठीक है, मेंटल एबिलिटी में रीजनिंग किस टाइप की आती है आपको वो अच्छे से पता होनी चाहिए,
कि किस किस में से जितना भी आपका रीजनिंग है, ज्यादातर बच्चों की रीजनिंग अच्छी खासी होती है, तो इतना ज्यादा इस पर जो है फोकस करने की जरूरत है नहीं। अगर आपकी है वीक तो आपको जो है डेली प्रैक्टिस की जरूरत है, मतलब अभी जो 10 दिन है आप इन 10 दिनों में आपको डेली जो है आपके जो दो दो एक एक दो दो जो सब्जेक्ट्स हैं रीजनिंग के वो आपको अच्छे से करने पड़ेंगे, यानी कि डेली 1-1.5 घंटा आपको रीजनिंग को देना पड़ेगा अगर आपकी रीजनिंग वीक है तो। अब आ जाओ इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन पे। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में जो है आपका कुछ तो जो है इंग्लिश की जो ग्रामर है वो आपको अच्छे से देखनी पड़ेगी। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन जो क्वेश्चन छाटते हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए। ऐसा नहीं है पहले की तरह नहीं है कि एक लाइन मैच कर गई हमने उसी पर टिक कर दिया। आजकल जो है थोड़ा सा जो लेवल अप है, और अगर आप टीजीटी पीजीटी या पीजीटी के स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली आपका जो लेवल है वो हाई हो जाता है पीआरटी और टीजीटी के कंपेरिजन में, ठीक है। तो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, देन आपका टीचिंग जो मेथोलॉजी है वहां पर जो आपके टीचिंग से रिलेटेड है कि अगर आप एज अ टीचर बनते हो, अगर आपके जो स्टूडेंट्स हैं आप उनको किस तरीके से टीच करोगे, अगर आपकी क्लास में ऐसे बच्चे हैं तो आप उनको कैसे पढ़ाओगे, आपकी क्लास में जो है अगर दूसरे टाइप के बच्चे हैं मतलब कुछ वीक हैं कुछ अच्छे हैं तो आप उन दोनों को किस तरीके से बैलेंस करोगे, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और जो पूरा ही पेपर है, एक चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, जो पूरा ही पेपर है वो आपका आता है इंग्लिश में। कोई भी ऐसा नहीं है कि चलो इंग्लिश 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 में आ गई, बाकी जो है हिंदी इंग्लिश मिक्सअप है, बिल्कुल भी नहीं। पूरा पेपर आपको इंग्लिश में मिलेगा, तो आपको जो अपना टीचिंग वाला पार्ट है उसको भी अच्छे से इंग्लिश में करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिंदी में पढ़ जाओ फिर वहां जाके कंफ्यूज हो जाओ कि मैंने तो ये चीज देखी नहीं थी। तो आपको इंग्लिश के जो इंग्लिश में ही आपको जो है टीचिंग वाला पोर्शन भी अच्छे से करना है, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से क्लियर हो गया तो अब आपको ये समझ में आ गया कि मुझे किस किस पे जो है फोकस करने की जरूरत है। तो यहाँ पे जो स्पोर्ट्स है, जो इंडिया के डांस हैं, उसके बाद जो है डेज हैं, अभी देखो कौन कौन से डेज इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो जो ये करंट वाला पोर्शन है, अभी जो 6 मंथ की जो करंट है उसको आपको अच्छे से करने की जरूरत है। तो ये वाला आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, उसके बाद आपको रीजनिंग एंड देन आपका इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। तो इसमें जो है आपको जो कॉम्प्रीहेंशन है उसको आप लास्ट टाइम पे एक दो प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, ठीक है। उसके साथ ही जो है अगर प्रैक्टिस सेट लगाओगे एक बार जो है आपको पूरी इंग्लिश की ग्रामर अच्छे से देखने की जरूरत है, जो भी रूल्स होते हैं और जहां जहां से मेन मेन जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको पार्ट अच्छे से करने की जरूरत है। उसके बाद टीचिंग, टीचिंग वाला आपको जो है एज अ टीचर अगर आप पढ़ाते हो तो वो उसी तरीके से आपको क्वेश्चंस का आंसर करना है कि अगर हम इस तरीके से होंगे तो किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे। और आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं करके आना कि आप एक तरीके की तुक्का मार के आ जाए, क्योंकि तुक्का आप कर नहीं सकते क्योंकि वहां पर क्या है नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर देखने के बाद आपको जिस जिस सब्जेक्ट में आप थोड़ा ज्यादा जरूरत है उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा दीजिए, क्योंकि अब इन 10 दिनों में आपको 8-10 घंटे की पढ़ने की जरूरत है। 8-10 घंटे पढ़ोगे तभी अपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाओगे, ठीक है। अब आ जाओ अपने सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट में अगर अच्छी कमांड है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको सिर्फ पार्ट ए पे फोकस करना है। अगर सब्जेक्ट में कमांड नहीं है तो भी आपको जो है पार्ट ए पे तो फोकस करो, ताकि आपको पीआरटी का जो स्कोर कार्ड है वो मिल जाए। अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा नहीं है और पार्ट ए भी अच्छा नहीं है तो मैं तो यही कहूंगी कि पार्ट ए पे फोकस करो, क्योंकि आपने जो 500-600 रुपए फीस के लगाए हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको हासिल हो, एटलीस्ट पीआरटी लेवल का ही सही लेकिन आपको कुछ तो मिले, ठीक है। तो अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा नहीं है तो सब्जेक्ट को भूल जाओ, सिर्फ अपने पार्ट ए पे फोकस करो, पार्ट ए को इतना अच्छा करो कि आपको जो है कुछ जो स्कोर कार्ड है वो तो मिले ही, भले ही पीजीटी या टीजीटी लेवल का ना मिले लेकिन पीआरटी लेवल का तो मिले ही मिले, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो उनका सब्जेक्ट अच्छा नहीं है। जिनका सब्जेक्ट अच्छा है उनको पार्ट ए में बिल्कुल फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि पार्ट ए क्लियर होगा तभी आपका पार्ट बी क्लियर है, तभी आपको दोनों को मिला के जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। सब्जेक्ट हम मैं हमेशा की तरह कंप्यूटर साइंस के बारे में ही बात करूंगी, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर पढ़ाती हूँ कंप्यूटर साइंस। तो मैं अभी जो है आपको डेली इन 10 दिनों में क्या करवाने वाली हूँ वो देख लो कंप्यूटर साइंस के बच्चों को। तो कंप्यूटर साइंस के बच्चों को आपको 3 साल के पेपर्स मैं आपको करवा दूंगी यहाँ पर, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। और उसके साथ ही आपको डेली अभी एक टेस्ट सीरीज मिलने लग जाएगी, डेली का जो है एक एक दो दो आपको डेली के प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। लाइव पॉसिबल होगा तो लाइव पढ़ाऊंगी, अदरवाइज आपको एक ऑफलाइन जो है डेली की 1-2 क्लास मिल जाएगी, ताकि आप इन 10 दिनों में अपने कंप्यूटर के सब्जेक्ट को अच्छे से जो है प्रैक्टिस कर पाओ। अगर आपने अभी तक कंप्यूटर के सब्जेक्ट को पढ़ा है तो अभी जो 10 दिनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उससे जो है आप प्रैक्टिस लगा सकते हो, ठीक है।
साथ में आप अगर आप 3 साल के पेपर देख लोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर साइंस से। तो ये था पूरा ओवरव्यू। आपको कैसी लगी क्लास आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको अच्छी लगी तो हमेशा की तरह चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।